हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ पेल्वोरिन टैबलेट्स। पेल्वोरिन टैबलेट्स प्रदर रोग के लिए बहुत ही बेहतरीन है, जो कि एसबीएल कंपनी बनाती है। साथियों, प्रदर रोग यानी कि जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं, ये मेडिसिन केवल महिलाओं के लिए है, यानी महिलाएं ही यूज करेंगी, ये पुरुषों के लिए नहीं है। तो जो ल्यूकोरिया होती है वो एक इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से पानी आने लगता है। तो पेल्वोरिन टैबलेट्स के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको आसानी से मिल जाए। और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और दूसरे लोगों को भी बेनिफिट। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। प्रदर रोग यानी कि जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं, और इसमें श्वेत पानी आना यानी कि सफेद पानी आना, कभी कभी पीला पानी, अत्यधिक स्राव होने लगता है, जिससे कि महिलाएं परेशान हो जाती हैं, जिसे कि ल्यूकोरिया कहते हैं। साथियों, गोनोरिया भी इसी तरह का होता है। गोनोरिया में भी इन्फेक्शन होता है और उसमें पानी आने लगता है। गोनोरिया भी इसी तरह का हो, देखें गोनोरिया की वजह से होता है। साथियों, जो गोनोरिया होता है वो भी इन्फेक्शन ही होता है, और ये ल्यूकोरिया भी इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। तो आप मेडिसिन वही यूज करेंगे जिससे कि आपको आराम मिल जाएगा, महिलाएं बहुत ही बेहतर तरीके से ठीक हो जाएंगी। तो क्या होता है साथियों, जो श्वेत पानी आने की शिकायत होती है महिलाओं के बच्चेदानी में, और उसके साथ साथ उनके यूटेरस में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, यानी जो बच्चेदानी यूटेरस होता है उसके साथ साथ उसके निचला हिस्सा जो सर्विक्स होता है उसमें भी इन्फेक्शन होने की वजह से पानी आने लगता है, गाढ़ा पानी आने लगता है, उसके साथ साथ एल्बुमिन जैसा पदार्थ आने लगता है, जिससे कि वो परेशान हो जाती हैं, और उसमें ज्यादा खुजली होती है। कभी कभी जो भाग होता है जहां पे ओपनिंग होती है वहां पे लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और खुजली से परेशान हो जाती हैं महिलाएं। उसके साथ साथ उनके पेशाब में जलन होने लगता है, जलन होने के साथ साथ दर्द भी होता है जब वो पेशाब करती है। तो ये कारण यही होता है कि जो यूटेरस यानी जो सर्विक्स, जो ल्यूकोरिया की शिकायत है उसका इन्फेक्शन लग जाता है, यूटीआई में यानी पेशाब की नली में इन्फेक्शन लग जाता है, जिसकी वजह से जलन होने लगती है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है और दर्द भी होता है। तो महिलाएं ज्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, यानी कि पहले बच्चेदानी का इन्फेक्शन होता है, फिर यूटीआई हो जाता है यानी यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि महिलाएं परेशान हो जाती हैं। साथियों, इसका जो लक्षण होता है, इसके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, पीठ में भी दर्द होता है और कमर में भी दर्द होता है, और इसका दर्द पैरों में कभी कभी नीचे तक भी देखा जाता है, कि कमर से लेकर नीचे तक भी दर्द जाता है इसी की वजह से। साथियों, ये कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, जैसे महिलाओं में अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो भी ऐसा मोटापा देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ अगर हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में हो गए, जैसे कि कहने का मतलब कि थायराइड हार्मोन्स अगर ज्यादा हो गया है तो भी वजन ज्यादा बढ़ने लगती है, जिससे कि महिलाएं ज्यादा परेशान हो जाती हैं और उनका बेतहाशा वजन बढ़ता चला जाता है और उनका वजन जल्दी घटता नहीं है। तो इस कंडीशंस में आपको पेल्वोरिन टैबलेट्स ले आना है, जिससे कि आपको लेना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक मेडिसिन और दो मेडिसिन और आती है जिससे कि आपकी जो ल्यूकोरिया है वो ठीक हो जाएगी। तो मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला को भी आपको 30 पावर में सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम चार चार बूंद लेना होगा, और इसके साथ साथ थूजा 200 को आपको सुबह शाम दो टाइम लेना है, यानी 200 पावर में चार बूंद सुबह में, चार बूंद शाम को दो टाइम लेना होगा। कुछ दिन तक लेंगे तो आपका ल्यूकोरिया कम हो जाएगा। उसके बाद आपको पल्सेटिला बंद करके सीपिया लेना होगा। सीपिया भी कुछ दिन 30 पावर में सुबह, दोपहर, शाम तीन टाइम यूज करें, जिससे कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा और आपकी ल्यूकोरिया ठीक हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक आता है कैलेंडुला। कैलेंडुला का मदर टिंचर जो भाग वेजाइना होता है, वेजाइना में लगाना होता है, आप अंगुली से उसको लगा सकती हैं, जिससे कि उसका इन्फेक्शन कम होता है और ल्यूकोरिया की शिकायत खत्म होती है। कैलेंडुला का मदर टिंचर जरूर यूज करें। तो चलिए इसके लक्षण की तरफ बढ़ें। तो जो प्रदर रोग होता है इसमें संबद्ध लक्षण महिलाएं जानती हैं क्या होता है, यानी पानी आने की शिकायत, टांगों में दर्द, चेहरों का पीलापन भी हो जाता है, यानी जो चेहरे होते हैं वो पीलापन हो जाता है, उसके साथ साथ पीठ और पेट में दर्द होने लगता है, यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, खुजली होता है, और उसके साथ साथ लाल चकत्ते हो जाते हैं, पेशाब करते समय भी जलन होती है।
अगर इसके प्रतिकूल प्रभाव की बात करें तो इसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, यानी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खुराक की बात करें तो जो वयस्क होती है महिलाएं, वयस्क महिलाओं में 2 सप्ताह तक 2 गोली दिन में 4 बार लें, यानी कि सुबह, दोपहर, इवनिंग, नाइट 4 बार लेना है 2 सप्ताह तक। फिर उसके बाद 2 सप्ताह तक 2 गोली 3 बार लेना है, यानी 2 गोली सुबह में, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली शाम को। फिर उसके बाद साथियों 2 सप्ताह तक 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को लेना है। फिर उसके बाद 2 गोली 1 बार लेती रहें, कुछ दिन ले, आपका जो पेल्वोरिन टेबलेट्स है ये आपकी ल्यूकोरिया को ठीक कर देगा। इसकी जो सीसी आती है वो 25 ग्राम की बोतल आती है और उसके साथ साथ 450 ग्राम की भी बोतल आती है, तो आप जिसको भी लें वो दोनों फायदा करती है। इसके जाते जाते कम्पोजिशन की बात कर लें, जो इसमें मेडिसिन डली हुई है उसमें है एलुमिना, एलुमिना मेडिसिन और क्रियोजोटम और इसके साथ साथ बोरेक्स, हाइड्रास्टिस्काइन और कैल्केरिया ओवा टोस्टा, इतनी मेडिसिन मिली हुई है जो कि बहुत ही बेहतरीन बना देती है इस टैबलेट्स को और ल्यूकोरिया ठीक हो जाती है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद सर।